मटन करी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है लेकिन अगर आप एक बार इस तरीके से मटन करी बना लेते हैं तो आप हर बार यही तरीका अपनाएंगे ये मेरी पूरी गारंटी है ये इतना ज्यादा टेस्टी बनता है हे वेलकम बैक टू किचन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्पेशल मटन करी बनाने की रेसिपी तो चलिए देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और उसमें एक चौथाई कप सरसों का तेल डालेंगे क्योंकि मटन बनाए या चिकन सबसे ज़्यादा टेस्टी वो सरसों के तेल में ही बनता है तो पहले हम तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें दो तेज पत्ता और आधे चम्मच शाही जीरा डालेंगे तो अब मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे फिर हम इसमें तीन चार लहसुन की कलियों को कूट के डाल देंगे साथ ही हम इसमें पाँच से छह साबुत लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी देर इन सबको पकाने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे यहाँ पर मैंने आधा के प्याज लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है आप प्याज को मोटा पतला कैसे भी चॉप कर सकते हैं क्योंकि मटन को पकने में टाइम लगता है तब तक हमारा प्याज भी अच्छे से गल जाता है तो जो क्वांटिटी है वो मैंने आधा के जी मटन और आधा के जी प्याज लिया है आप चाहे तो प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं अब हमें प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है तो प्याज को हम हाई फ्लेम पर ही अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे तो अब हम इसे ढक देंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे पकने देंगे तो अब यहाँ पर जो प्याज है वो अच्छे से भुन चुका है अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन जो है वो निकल जाएगा तो एक से दो मिनट इसे भूनने के बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर मैंने आधा के जी मटन लिया है जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है तो मटन को डालने के बाद हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे साथ ही हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे जिससे जो मटन है वो जल्दी गल सके और इसे ढककर पकने देंगे मटन को पूरा पकने में एक से डेढ़ घंटे लग जाते हैं तो अब नमक डालने के बाद भी हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे तो चलिए जब तक मटन पक रहा है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें खड़े मसाले डालेंगे तो यहाँ पर हम दो चम्मच साबुत धनिया लेंगे एक छोटे चम्मच जीरा और आधे चम्मच काली मिर्च लेंगे फ्लेम को हम एकदम लो पे रखेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भुनेंगे इसे हम एक मिनट के लिए लगभग भून लेंगे इसका कलर बहुत ही हल्का सा चेंज होने लगेगा और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पर मसाले हल्के से भुन चुके हैं अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी पैन गर्म है तब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देंगे जिससे वो भी अच्छे से भुन जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आधे चम्मच शाही जीरा आधे चम्मच से थोड़ा सा कम पोस्ता दाना, जिसे हम खसखस -खस भी बोलते हैं ये गर्म मसालों में आसानी से मिल जाता है एक काली इलायची और पाँच से छह हरी इलायची एक इंच दालचीनी जावित्री थोड़ा जायफल और तीन से चार लौंग अब हम इन सबको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ऐसे ही गर्म पैन में ही और फिर हम इन सबको ठंडा करके इसे थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पर मसालों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसें थोड़ा दरदरा रखें जिससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है तो अब यहाँ पर मटन को पकाते हुए भी हमें बीस मिनट लगभग हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पर मटन में अच्छे से पानी रिलीज हो चुका है और इसी पानी से मटन अच्छे से पक जाएगा तो यहाँ पर अब हम मसालों में आठ एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आप दिखा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान रखें कि हमने इसमें साबुत लाल मिर्च भी डाला है अब हमने जो मसाले पीसे थे वो पूरा मसाला इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मसालों को हमने थोड़ा दरदरा ही रखा है अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को आप मीडियम ही रखें क्योंकि मटन को बनने में काफ़ी टाइम लगता है तो मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से पक जाएगा और अभी आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे आप इसे बीच बीच में चलाते रहें तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटन में जितना भी पानी था वो पूरी तरह से सूख चुका है और मटन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है इसमें आप देख सकते हैं कि साइड में ऑयल दिखने लगा है तो अब हम यहाँ पर कुछ साबुत लहसुन डाल देंगे लहसुन इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आप इसे जरूर डालें अब थोड़ा सा इसे और भुनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे कभी भी मटन को मसालों के साथ अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी इसका टेस्ट पूरा अच्छा आता है तो यहाँ पर हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे आप जितना ग्रेवी चाहें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी ऐड कर लें अभी हमें मटन को और पकाना है तो इसलिए हम पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं तो अब एक बार हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब इसमें एक बॉयल आ जाए तब हम कुकर का लीड लगा लेंगे तो कुकर का लीड लगाने के बाद एक बार जब सीटी आ जाए तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दो से तीन सीटी आने तक इसे पका लेंगे इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर ही इसे खोलेंगे तो यहाँ पर जो इसकी सीटी है वो अपने आप निकल चुकी है अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं और फ्लेम को ऑन कर देंगे अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भुना हुआ कसूरी मेथी ऐड करेंगे जिससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसे हम हाथों से मसल के इसमें डाल देंगे साथ ही हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालने से इसका टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर आप इसका कलर भी देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है और यहाँ पर जो मटन करी है वो बन के तैयार भी हो चुकी है ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है तो आप भी एक बार इस तरीके से मटन करी जरूर ट्राई कीजिएगा अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे तो बस यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है हमारी स्पेशल मटन करी जिसको आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा टेस्टी होगा तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड